सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शोर। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यू आईएम्स की लिस्ट में एक और कॉलेज कॉल्ड आईआईएम संबलपुर। डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कॉलेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode and we're going to talk about IIM Sambalpur, जिसका अगर हम highlight discuss करें, I just skipped those images because I think वो काफी ज्यादा blur हो रही थी, but काफी सुंदर campus है। मैं कैसे बता रही हूँ, because 200 acre में spread है, location भी beautiful है, campus भी beautiful है। 2015 में establish हुआ था, 300 students का intake है अगर हम MBA की बात करें, और location जो है that is Odisha। उसके बाद अगर हम बात करें fee structure जो है near about 18 lakhs का है, ranking में 58 position पे आता है NIRF ranking में, number of courses 5 कराता है, 29 total faculties हैं, highest package 23 का जो है that is 64,61,000। ranking down the line बात करें, मुझे लगता है वैसे तो NIRF का ranking is the government ranking, बाकी तो बहुत सारी private ranking है, और इवन NIRF की भी रैंकिंग उतनी कंसिडरेबल नहीं होती, बिकॉज वो प्लेसमेंट के पैरामीटर्स पे नहीं होती, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें और होती हैं। बट 58 पोजीशन पे आता है मैनेजमेंट में, 66 पोजीशन पे आता था 2022 में, मतलब इस साल कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है। फीस की अगर हम बात करें, 17.86 लाख का फीस है, एग्जीक्यूटिव का 12 लाख का है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 14 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन प्रोसेस कैट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है, कैट इज दी ओनली प्रोसेस टू गेट इनटू ऑल दी IITs, ऑल दी IIMs, दैट इज दी ओनली प्रोसेस। कैट के एग्जाम के बाद आपके स्कोर के बेसिस पे यू हैव टू अप्लाई फॉर द कॉलेज। इस कॉलेज के लिए आप ये मान के चलिए 90+92 के आसपास का कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है, वे यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। अगेन, कॉल एक्सपेक्ट करने के लिए मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रही हूँ, बट और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं जब हम MBA कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं। हर कॉलेज का अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, राइट फ्रॉम देयर अकेडमिक्स, राइट फ्रॉम दैट कि हम किसको क्या वेटेज दे रहे हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, अकेडमिक डाइवर्सिटी, देन उसके बाद आपके 10-12 ग्रेजुएशन, और उसके बेसिस पे एक फाइनल कॉल दिया जाता है। एंड देन फाइनल सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं फिर आपका वेट है या एक्सटेम्पोर है या PI है, उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन होता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू रहती है, फाइनल सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे होता है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड बाय कैप 23। तो जितने भी कैप के अंदर कई सारे IIMs आते हैं जो नए वाले हैं, राइट, उनके लिए आपको सिंगली अप्लाई करना पड़ता है, एंड सिंगल बेसिस पे कहीं ना कहीं इनका कैप के थ्रू सिलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कैट के लिए, राइट, 20th September लास्ट डेट है, आई मीन ये एक्सटेंड की गई है, 26 November को कैट का एग्जाम है, एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो 20-25 January के बीच में टेंटेटिव होती है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड 1st-2nd week of February रहता है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग कैप एप्लीकेशन 22 January कहीं ना कहीं है, तो आपके पास कैट के बाद टाइम है टू अप्लाई टू प्रोसीड फर्दर कि आपको कैसे जाना है। फाइनल सिलेक्शन मई तक रहता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे 92 ओवरऑल दे रखा है, सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे दे रखा है, EWS के लिए अलग है, बट इट रियली इट्स नॉट लाइक कि जैसे यहाँ पे EWS के लिए 70 दे रखा है, बट हो सकता है कि 70 पे कॉल ना आए। अगेन, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसके क्योंकि कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि आए मैं अहमदाबाद की वेबसाइट पे तो उन्होंने 90 दे रखा है, पर क्या 90 पे जनरल वालों को कॉल आ जाता है? नहीं, राइट। तो ये आपको समझना है दैट दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन फीमेल कैंडिडेट्स ओवरऑल 80, सेक्शनल 65, कैंडिडेट्स विद 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस 80, सेक्शनल 65। फाइनल सिलेक्शन में वेटेज कैट स्कोर को 30% है, पर्सनल इंटरव्यू को 25% है, अकेडमिक प्रोफाइल को 15% है, वर्क एक्सपीरियंस को 15% है, और डाइवर्सिटी को 15% है। तो उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन रहता है, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, देन आपको कहीं ना कहीं फीस पे करनी पड़ती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 33% इंक्रीज इन कंपनी, 44% कहीं ना कहीं न्यू रिक्रूटर्स इंक्रीज हुए हैं। सो अगर हम बात करें प्रीवियस और करंट ईयर्स के एवरेज पैकेज की, जैसे ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 13.20, राइट, इस साल 16.64, दैट इज
कहीं ना कहीं 26% एवरेज पैकेज इंक्रीज हुआ है. मीडियम पैकेज 12,42,000 का था, इस साल 16 लाख का है, 29% इंक्रीज हुआ है. एवरेज टॉप 25% स्टूडेंट्स का 18 लाख लास्ट ईयर का था, 18,79,000, इस साल 25.19 लाख का है. एंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो लास्ट ईयर 26.19 लाख था, इस साल जो है वो 64.61 लाख है, 147% इंक्रीज हुआ है. 27% जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में है, जनरल मैनेजमेंट 21%, 19% आईटी एनालिटिक्स, ऑपरेशंस 12%, कंसल्टिंग 10%, फाइनेंस 8% और एचआर में 3%, मतलब सबसे कम प्लेसमेंट्स एचआर में है. राइट, हाईएस्ट डोमेस्टिक 64,61,000, हाईएस्ट इंटरनेशनल 64,15,000, एवरेज 16,63,000 का है, मीडियन 16 लाख का है. तो अगर हम एवरेज भी हटा दें, हाईएस्ट भी हटा दें, अगर हम मीडियन पैकेज भी रखते हैं तो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट with the kind of score जिसपे ये कॉल स्टूडेंट्स को दे रहा है, इज नॉट अ बैड ऑप्शन. सेकेंडली, अगर आपने इससे पहले एक स्लाइड देखी होगी, टॉप 25%, अगर आप बैच साइज बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप बैच में टॉप 25% में रहते हैं तो भी 25 लाख के आसपास का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज रहा है. टॉप 10% का एवरेज 31 लाख का है, टॉप 25% का 25 लाख का है, और अगर आप टॉप 20% और 50% ऑफ द बैच में, मतलब आप 300 में से अगर 150 बच्चे में भी हैं तो भी 20 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज रहा है. मीडियन में बात करें, टॉप 10% का 23 लाख का है, यू नो टॉप 25% का 22,50,000 का है, वेर एज अगर हम बात करें टॉप 50% का 17,81,000 का है. सेक्टर वाइज प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो 30% BFSI, मैन्युफैक्चरिंग 14%, IT में कहीं ना कहीं 26%, कंसल्टिंग 9%, ई-कॉमर्स 5%, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन 4%, फिनटेक 4%, FMCG FMCD 3%, रिटेल 2%, एंड ऑपरेशंस 1%. देन बैच प्रोफाइल की बात करें तो 37% फ्रेशर्स हैं, जो बाकी कंपैरेटिवली IIM से कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं. 14% स्टूडेंट्स 1 to 12 months के एक्सपीरियंस वाले हैं. देन 20% ऑफ द बैच 13 to 24 months एक्सपीरियंस वाले हैं. 16% ऑफ द बैच 25 to 36 months एक्सपीरियंस वाले हैं, और 13% ऑफ द बैच 37+ months के एक्सपीरियंस वाले हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 167. बैच स्ट्रेंथ की हम बात करें, जेंडर रेशो 52% मेल एंड 48% फीमेल. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 167, मतलब बैच साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो शुरू में 300 लिखा था तो आई थॉट ऑफ, बट दिस वॉज दी बैच स्ट्रेंथ. देन उसके बाद जेंडर वाइज एवरेज प्लेसमेंट, फ्रेशर्स का एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं, सॉरी ये मेल का 13 का है, फीमेल का 17.27 का है, एक्सपीरियंस का अगर हम बात करें फीमेल का 19.25 का है, मेल का 15.49 का है. वर्क एक्सपीरियंस सेक्टर्स सबके पास अलग अलग सेक्टर्स के हैं, राइट फ्रॉम हेल्थ केयर टू BFSI, ई-कॉमर्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, एडटेक, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वेर इज टॉप 10%. अगर हम बात करें नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, राइट 13, टॉप 25% ऑफ फाइनल्स 28, राइट टॉप 50 में 47, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ है. 13 टॉप 10% में फीमेल है, 28 टॉप 25% में है, और अगर आप टॉप 50% में देखें तो 47 फीमेल्स हैं. ये अकेडमिक डाइवर्सिटी, स्टूडेंट फ्रॉम बीटेक, राइट बीएससी, मतलब बीटेक ज़्यादा है. अगर हम देखें 65% है बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएमएस, अदर कोर्सेज के हैं. प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, एसएनपी ग्लोबल, अडानी, आपको सारी कंपनीज दिख रहे हैं, हो सकता है कई सारी आपकी ड्रीम कंपनीज भी हों, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, तोलाराम ग्रुप, वेदांता, क्रिसिल, अमूल, डेलॉयट, ईवाई, गार्टनर, रिलायंस, टाटा पावर, पीडब्ल्यूसी, टीवीएस, राइट जिंदल स्टील एंड पावर, ऐसे कई सारे रिक्रूटर्स हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.